আজকে মুখ্যমন্ত্রী একটি প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং সেখানেও ওই পুরনো কথাই আবারও ঘুরে ফিরে এলো তার বক্তব্যে। কি বললেন মাননীয়া, একটু শোনাই আপনাদের। देखो ऐसा बात नहीं है, बार 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 हमारा फैमिली को अटैक करना और प्रेस में बात करना मेरे को ठीक नहीं लगता है। उसका खिलाफ में कुछ नहीं है, जस्ट हैरासिंग हिम। ही इज अ यंग मैन, द यंग जनरेशन इज विद हिम, स्टूडेंट एंड यूथ, सो दे विल गिव द रिप्लाई। दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा। ये हमारा रिक्वेस्ट है, देखो पॉलिटिकली आपका साथ हमारा डिफरेंस होगा। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी में कुछ कुछ पार्टी का साथ कुछ कुछ एडजस्ट होता है, कुछ कुछ पार्टी का साथ कुछ कुछ एडजस्ट नहीं होता है। ये तो लोकतंत्र में होता ही है, लेकिन लोकतंत्र का एक सीमा होता है, वो सीमा मान के ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जो बाद में इसका दूसरी रूप हो सकता है। आज एक गवर्नमेंट पावर में है, इसी के लिए आप अगर ऐसे करें तो कल और एक गवर्नमेंट पावर में आएगा वो भी सेम चीज करेगा। ये करना नहीं चाहिए, ये मैं समझती हूँ। हमने उसको किसी को नहीं किया, मेरे के पास कितना इन्फॉर्मेशन है। मैं सीपीएम का चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर को जितना दिन 34 साल वो लोगों ने रहा, हम एक भी टच नहीं किया, एक भी टच नहीं किया कि ये हमारा डेमोक्रेटिक को कर्सी होता है। और अभिषेक को हर तरह डिस्टर्ब करते हैं, उसको कभी लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी अपर कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है जस्टिस के लिए। Unnecessarily harassing, no evidence, nothing. क्या नहीं किया उसका खिलाफ में, बहुत सारे किया, लेकिन तब भी ये उसको करेंगे कि वो उसको पता है the young generation they cannot tolerate, they want to disturb the young generation. वो हमारा युवा राजनीति को युवा पीढ़ी को सपोर्ट नहीं करने चाहते हैं, इसी के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी इसको नहीं मानेंगे, वो लोग हिम्मत से लड़ेंगे। শুভেন্দু অধিকারীর মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছে। উনি বলছেন যে ওনার তো অনেক ভাইপো ভাইজি আছে, বারবার অভিষেককে কেন তলব করা হচ্ছে। কি বলেছেন বিরোধী দলনেতা, শোনা একটু। এগারোর আগে কোনো কর্মসূচি থাকতো না, এগারোর আগে আমরা তো খেটে খুটে এনেছি, তারপরে তো ছেলেটা দিল্লি থেকে এসেছে। ছেলেটা তো এগারোর আগে দেখা যায়নি মার্কেটে, ওনার অনেকগুলো ভাইপো ভাইজি আছে, কাউকে ডাকে না, ওকে ডাকে কেন? রুচিরা নারোলা কে হয়, ওর মেনকা গম্ভীর কে হয়, লিপসেন বাউন্স কে হয়? লিপসেন বাউন্সের ডাইরেক্টর অনিত ব্যানার্জি, মাননীয় লতা ব্যানার্জি ওনার কে হয়?